टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इसी को लेकर के भारतीय टीम अभी संतुलित नजर नहीं आ रही, क्योंकि रोहित शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के चलते हुए कप्तानी को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिरकार कप्तानी कौन करेगा, कप्तानी के साथ साथ ओपनिंग कौन करेगा और रोहित शर्मा का किरदार कौन निभाएगा। वैसे तो देखा जाए तो जो उप कप्तान होता है वह ही कप्तानी करता है और वह कप्तानी के तौर पर नजर भी आता है। इस बार उप कप्तान बुमराह को बनाया गया था लेकिन उन्होंने कभी भी कप्तानी नहीं करी है, तो सवाल यह है कि क्या ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी जाएगी, और अगर ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी गई तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दूं कि ऋषभ पंत अभी तक अपनी कप्तानी में अच्छी भूमिका नहीं निभा पाए हैं, तो इसी को लेकर के लगातार सवालिया निशान टीम इंडिया के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी के जवाब टीम इंडिया को मैच शुरू होने से पहले ही ढूंढने पड़ेंगे, तभी मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आने वाली है। तो दिखाते हैं इसी बार रिपोर्ट की हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स सामने आई हैं। टीम इंडिया के सामने चार बड़े सवाल हैं। आयरलैंड के खिलाफ में T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद में टीम इंडिया के सामने अब इंग्लैंड का टेस्ट है। आयरलैंड में खेली भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। इस मुकाबले में भारत को रोहित शर्मा की कप्तानी में चुनौती पेश करना था। रोहित कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अभी साफ नहीं है कि वे 1 जुलाई से बर्मिंघम में शुरू हो रहे टेस्ट मैच में खेल भी पाएंगे या नहीं, और इसी के साथ चार सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जिनका जवाब भारतीय टीम को मैच से पहले हर हाल में ढूंढना है, जिसमें आप सभी को बता दें कि उनके पॉसिबल प्लेइंग 11 पे आखिरकार क्या हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा की गैर हाजिरी में कप्तानी कौन करेगा यह सबसे बड़ा सवाल है, और आमतौर पर किसी टूर के लिए जिस खिलाड़ी को उप कप्तान बनाया जाता है वही कप्तान की गैर हाजिरी में कप्तान बनता है, और भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह है। बुमराह आज की तारीख में दुनिया में बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक हैं, लेकिन उनके साथ समस्या है यह है कि उन्होंने अब तक किसी भी स्तर के क्रिकेट में भी कप्तानी नहीं करी। भारत के पास दूसरा विकल्प ऋषभ पंत के रूप में है। पंत IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभालते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने कमान संभाली थी, और विशेषज्ञों का कहना है कि पंत कई बार बहुत लापरवाह हो जाते हैं और उनके अपनी टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपना जल्दबाजी भरा फैसला हो सकता है। फिलहाल देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।